नेक्स्ट टॉपिक इज इन्वेस्टिगेशन. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय इन्वेस्टिगेशन? देखिए, इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी एंड ट्रायल, ये तीनों के तीनों ना एक ऑर्डर में चलते हैं. पहले इन्वेस्टिगेशन होता है, फिर इंक्वायरी होती है, फिर ट्रायल होता है. तो इन्वेस्टिगेशन इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ एनी क्रिमिनल ऑफेंस, इंक्वायरी इज द सेकंड स्टेज एंड ट्रायल इज द थर्ड स्टेज. तो इन्वेस्टिगेशन कौन करता है? इन्वेस्टिगेशन हमेशा पुलिस ऑफिसर करता है, इंक्वायरी मैजिस्ट्रेट, ट्रायल भी मैजिस्ट्रेट. तो आपको ये सीक्वेंस ऑर्डर में लेके चलना है. ये एक सीक्वेंस है, पहले इन्वेस्टिगेशन होता है, फिर इंक्वायरी होती है, फिर ट्रायल होता है. तो इन्वेस्टिगेशन का एम होता है ऑल रेलिवेंट एविडेंसेस को कलेक्ट करना, उसको एडमिसेबल करना टू एस्टेब्लिश द ट्रूथ एंड फॉल्सिटी ऑफ एविडेंस. जितने भी एविडेंसेस आपने कलेक्ट किए हैं उनकी ट्रूथ को चेक करना, कलेक्ट करना. प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन इन केस और क्रिमिनल केसेस इन्वॉल्व्स गैदरिंग इन्फॉर्मेशन. आपका काम है इन्फॉर्मेशन को गैदर करना, इंटरव्यूज कंडक्ट करना, क्राइम सीन्स को जाके एग्जामिन करना, आइडेंटिफाइंग द सस्पेक्ट्स एंड विक्टिम्स, विक्टिम्स को चेक करना कौन कौन विक्टिम है. सेक्शन 2H बताता है सीआरपीसी का कि इन्वेस्टिगेशन में सारी वो प्रोसीडिंग्स आ जाती हैं जो कि इसमें की जाती है पुलिस ऑफिसर के जरिए. इस कोड के तहत कलेक्शन ऑफ एविडेंसेस जो है वो पुलिस ऑफिसर करता है और वो मैजिस्ट्रेट उसको ऑथराइज करता है इस चीज के लिए, या फिर अगर वो पुलिस वाला नहीं करेगा तो मैजिस्ट्रेट किसी एक पर्सन को अपॉइंट करके भेजता है वहां इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जिसको हम कहते हैं. तो इन्वेस्टिगेशन इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ एनी क्रिमिनल ऑफेंस. सबसे पहले क्या किया जाता है? इन्वेस्टिगेशन, जो कि कौन करता है? पुलिस ऑफिसर करता है. उसके बाद आता है आपका सेकंड स्टेज ऑफ इंक्वायरी. इंक्वायरी में क्या होता है आपका? इंक्वायरी आपको ये बताती है कि दिस इज द सेकंड स्टेज. आपका सेकंड स्टेज आ जाता है इंक्वायरी का और वहां पर जितने भी एविडेंसेस कलेक्ट किए गए हैं उन एविडेंसेस की ऑथेंटिसिटी को चेक करते हैं मैजिस्ट्रेट के सामने. मैजिस्ट्रेट ये चेक करता है कि जो भी कलेक्शन करके लाए हैं इंफॉर्मेशन, जो भी एविडेंसेस सामने रखे गए हैं, ये किस हद तक सही है, इनको प्रूफ करो मेरे सामने. और अगर उसके लिए मजिस्ट्रेट को खुद भी जाके क्राइम सीन पे जाना पड़े या खुद जाके इन्वेस्टिगेशन चेकआउट करनी पड़े तो वो वहां पर भी चला जाता है. तो दिस ऑल कम्स अंडर इंक्वायरी. दिस इज द सेकेंड स्टेज. एंड द लास्ट स्टेज इज ट्रायल. ट्रायल इज अगेन डन बाय मैजिस्ट्रेट, वो भी मैजिस्ट्रेट करता है. ट्रायल इज, अब उसने ये तो देख लिया कि क्या सही है क्या गलत है, कि दोनों पार्टीज की बातें सुन ली है, उसने सारे एविडेंसेस चेक कर लिए, सब कुछ कर लिया है, अब वो ट्रायल करेगा. ट्रायल करने का मतलब ये होता है कि उन लोगों के सारे एविडेंसेस को प्रूव करके उनके सामने बताना और चार्जेस निकालना कि अब किसके पार्टी के ऊपर क्या चार्जेस लगाने हैं, कौन एक्यूज्ड है, ये डिसाइड करना कि किसके ऊपर कितने चार्ज लगाने हैं. अब चार्ज क्या होता है ये मैं आगे बताऊंगी आपको, फिलहाल आप ये समझ लें कि चार्जेस लगाता है जो मैजिस्ट्रेट है ट्रायल में. तो देयर आर थ्री स्टेजेस: इन्वेस्टिगेशन व्हिच इज डन बाय पुलिस ऑफिसर, इंक्वायरी व्हिच इज डन बाय मैजिस्ट्रेट, एंड थर्ड वन इज ट्रायल व्हिच इज अगेन डन बाय मैजिस्ट्रेट. एंड ये सीक्वेंस ऑर्डर में चलता है, फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन, देन इंक्वायरी, देन ट्रायल. दिस ऑल गोज इन सीक्वेंस. ओके,